सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं MT-125 इंटरनेशनल वर्जन के बारे में कि इंटरनेशनल वर्जन में क्या कुछ है और इंडिया में क्या कुछ आने वाला है, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लुक्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इंडियन मार्केट में जो MT-125 आने वाली है उसका लुक बिल्कुल LMT-15 जैसा होने वाला है, जो कि इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो बिल्कुल वैसा ही उसका लुक होने वाला है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी बात करें यहाँ पे MT-125 इंटरनेशनल वर्जन, तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लुक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट देखा जाए तो इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिलती है, उसी के साथ साथ टेल लाइट वगैरह, और काफ़ी अच्छा मस्कुलर लुक भी मिल। लेकिन यदि हम देखते हैं इंटरनेशनल वर्जन, तो वहाँ पे यार मेरे को कुछ खास नहीं लग रही, थोड़ी सी मतलब अजीब सी बाइक लग रही है, कुछ खास लुक नहीं आ रहा MT-125 का। तो मेरे को तो यहाँ पे इंडिया वाला अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताना आपको इंडियन अच्छा लगता है या फिर इंटरनेशनल वर्जन अच्छा लगता है, तो कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो बात करें इंजन वाइज यहाँ पे 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है आपको इंटरनेशनल वर्जन में। लेकिन इंडिया में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन ही मिलने वाला है। बात करूँ इसकी पावर की, तो यहाँ पे इसमें आपको 15 BHP की पावर मिलती है, बट यहाँ पे टॉर्क आपको 12.4 Nm का मिलता है। तो यही सेम आपको इंडियन वर्जन में मिलने वाला है। बात कर लूँ यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम इंटरनेशनल वर्जन में आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलता है, उसी के साथ साथ आपको रियर में भी डिस्क मिल जाता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता इंडियन मार्केट में फ्रंट और रियर में दोनों में डिस्क होंगे। मेरे को लगता है इंडियन मार्केट में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम मिलने वाला है। यदि कॉस्ट ज़्यादा रही तो शायद पीछे भी आपको डिस्क मिल जाए। बाकी देखते क्या कुछ होने वाला है। तो बात करूँ यहाँ पे इंटरनेशनल वर्जन में सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आपको वहाँ पे फ्रंट में USD एंड रियर में आपको मनुष्यक मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल वर्जन में स्विंग आर्म मिलता है, जो कि आपको इंडियन वर्जन में नहीं मिलने वाला। इंडियन वर्जन में आपको सिर्फ फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में आपको मोनोशॉक एंड आपको स्विंग आर्म वगैरह नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, जैसे कि आपको MT-15 में भी नहीं मिलता। बाकी R15 V3 में तो मिलता है, बट MT-15 में यहाँ पे नहीं मिलता। बात करूँ इसके गियर बॉक्स वगैरह की, तो यहाँ पे आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं इंटरनेशनल वर्जन में। बट जहाँ तक मेरे को लगता है इंडियन मार्केट में भी 6-स्पीड गियर बॉक्स ही होने वाला है, जो कि शायद सेम MT-15 का उठा के लगाया जाएगा उधर। तो मेरे को लगता है MT-15 और MT-125 का गियर बॉक्स बिल्कुल सेम होने वाला है। तो यदि 6-स्पीड गियर बॉक्स हुआ तो शायद काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती होगी। यहाँ पे आपको इंजन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और ना ही कोई वाइब्रेशन और ना ही आपको कोई ओवर नॉइस आने वाली यहाँ पे। तो इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा यदि 6-स्पीड गियर बॉक्स हुआ तो। तो बाकी देखते हैं लॉन्च टाइम पे क्या कुछ होता है यहाँ पे। बाकी आपको FI मिलता है इंटरनेशनल वर्जन में, बाकी इंडियन वर्जन में भी आपको FI मिल जाएगा। तो बात करूँ यहाँ पे वेट की, तो वेट आपको इंटरनेशनल वर्जन में 140 kg मिलता है, बट यहाँ पे यदि आप इंडियन वर्जन में देखोगे तो यहाँ पे आपको शायद लगभग सेम मिलने वाला है MT-15 और MT-125 का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है यहाँ पे आपको ओनली 4-5 kg का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। बाकी बात करूँ सीट हाइट, तो यहाँ पे 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है, मतलब आपको 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है यहाँ पे। तो बाकी बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपको 11.5 लीटर का टैंक मिल जाता है। बाकी इंडियन वर्जन में आपको वही सेम फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जो कि आपके MT-15 में मिलता है, तो वही सेम आपको इंडियन वर्जन में मिलने वाला है। बात करूँ यहाँ पे टायर साइज़ वगैरह, तो टायर साइज़ आपको इंडियन वर्जन में वही सेम मिलेंगे जो कि आपको MT-15 में मिलते हैं, तो वही सेम आपको MT-125 में मिलेंगे। बट यहाँ पे इंटरनेशनल वर्जन में जो साइज़ मिलता है वो है फ्रंट का टायर का जो साइज़ है वो है 100x80 एंड जो रियर का साइज़ है वो है 130x70। तो ये वहाँ पे टायर साइज़ है। बट एंड बात करूँ यहाँ पे सीट की, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है इंटरनेशनल वर्जन में, बट यहाँ पे इंडियन वर्जन में आपको शायद सिंगल सीट मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल सेम होने वाली है MT-15 की। बात करूँ यहाँ पे हेडलाइट वगैरह, तो हेडलाइट आपको इंडियन वर्जन में बिल्कुल सेम मिलने वाली, वही हेडलाइट, वही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड उसी के साथ साथ आपको 2 LED DRL मिल जाएंगे। बात करूँ यहाँ पे MT-125 इंटरनेशनल वर्जन की, तो यहाँ पे आपको 2 DRLs मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जो कि मेरे को लगता है इंडियन वर्जन में आपको हेडलाइट सिस्टम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो बाकी लॉन्च के टाइम पे मैं आपको एक और न्यू वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करूँ यहाँ पे प्राइस की, जो प्राइस इसका जो इंटरनेशनल वर्जन में जो प्राइस है वो है 1.80 lakhs इंडियन रुपीज़ में। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राइस है वहाँ का, तो लेकिन इंडिया में आते आते मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा प्राइस होगी यहाँ पे। यहाँ पे यदि ये बाइक आएगी तो मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस होने वाला है वो लगभग 90-95,000 होने वाला है एक शोरूम प्राइस। बाकी ऑन रोड आते आते 120 तक जाएगी मेरे ख्याल से, तो 120 तक जाती है तो भी काफ़ी अच्छी बाइक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है 125cc में, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 BHP की पावर मिलने वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आपको नॉर्मल अपाचे वगैरह में मिलती है, पल्सर वगैरह में, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। FG 150 से भी ज़्यादा होने वाला, FG 150 और Gixxer 150 से भी ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी इस बाइक में। तो इसका प्राइस यार मेरे को लगता है जाएगी 120 तक जाएगी, इजिली जाएगी
इंडिया में लॉन्च होती है, तो बाकी इंडिया में लॉन्च होगी तो आपको जल्दी एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में कुछ यही था, तो यहाँ पे मेरे को लगता है इंडियन वर्जन जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इंटरनेशनल वर्जन से। तो बाकी वेट करते हैं कब तक आएगी बाइक। तो यदि कोई लेने का प्लान कर रहा है 125cc की बाइक तो वेट कर सकता है इसके लिए। मेरी ख्याल से नेक्स्ट 6 मंथ में लॉन्च हो जाएगी बाइक जहाँ तक मेरे को लगता है। तो बाकी तो कंपनी वालों पे डिपेंड है, तो देखते हैं कब लॉन्च करते हैं। तो गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।